वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज बच्चों मैं आपको द ट्यूबिटी जो सेकेंड पोइम है उसको मैं पढ़ाऊंगा। ये थॉमस कैरियो ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताएगा कि किसी भी पुरुष स्त्री में दो प्रकार की सुंदरता होती है और वही सुंदरता हमारे प्यार का कारण होती है। एक तो सुंदरता होती है, कवि बताता है, सबसे पहले कवि के बारे में बता दूं, थॉमस कैरू वाज बॉर्न एट बेस्ट बिकम इन यूनाइटेड किंगडम इन 1595। His father was Sir Matthew Carew. The poet wrote many songs. कवि ने बहुत से गीत भी लिखे और The Tubity is one of his beautiful poem. तो कवि इसमें शारीरिक सुंदरता, एक फीमेल पर्सन की शारीरिक सुंदरता और एक आध्यात्मिक सुंदरता के आधार पे ये कवि ने ये रचना की है कविता की। पहला स्टांजा इसकी शारीरिक सुंदरता के ऊपर है और दूसरा स्टांजा है उसकी आध्यात्मिक सुंदरता के ऊपर। तो कवि कहता है कि संसार में दो प्रकार की सुंदरता होती है, एक दृश्य तथा दूसरी अदृश्य। अर्थात किसी भी पुरुष या स्त्री में दो प्रकार की सुंदरता होती है, एक शारीरिक और आध्यात्मिक। ए पर्सन मेल और फीमेल हैज टू काइंड्स ऑफ ब्यूटी, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल ब्यूटी को ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ थॉट्स, ब्यूटी ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं। यहाँ पर पोइट एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। कवि कहता है, आगे कहता है, ही दैट लव्स ए रोजी चीक। वो पर्सन रोजी, रोजी मीन्स होता है रोजी चीक, गुलाबी गाल। आर कोरल लिपेट माइस, वह प्रेमी जो प्रेमिका को उसकी गुलाबी गालों के लिए प्रेम करता है या उनकी प्रशंसा करता है। कोरल, कोरल का मतलब होता है एक मूंगा पत्थर। मूंगा पत्थर जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है, कीमती होता है, वो लाल रंग का होता है। उसके समान होंठों वाली प्रेमिका कि वो प्रशंसा करता है। तो कवि कहता है कि फ्रॉम स्टार लाइक इज आईज दैट सीक। कवि जो है कहता है कि उसकी सितारों जैसी आंखों, सितारों वाली आंखों वाली जो बेलप्ड है उससे वो ऊर्जा प्राप्त करता है, अपने प्रेम की ऊर्जा को ढूंढता है। टू फ्यूल, फ्यूल मीन्स होता है ईंधन, टू मेंटेन हिज फायर्स, फायर्स मीन्स होता है प्रेम की अग्नि को बनाए रखना, प्रेम की अग्नि, मेंटेन माने बनाए रखना। उसको सुंदरता है, मीनिंग इज दैट द पोइट लव्स ए वूमेन फॉर हिज रोजी चीक एंड ही एडमायर्स द लिप्स विच आर रेड इन कलर लाइक कोरल आर फ्रॉम स्टार लाइक आईज दैट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। और वो सितारों जैसी आंखों से अपनी उसे ऊर्जा प्राप्त करता है अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए। अपने आईज ओल्ड टाइम्स मेक्स दिस डिके। ओल्ड टाइम मीन्स जब उसको ओल्ड हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, बूढ़ी हो जाती है। मेक्स माने बना देती है, दीज डिके, दीज मीन्स द ब्यूटी
दीज फिजिकल चार्म्स, दीज मीन्स फिजिकल चार्म्स, डिके माने डिस्ट्रॉय, जब बुढ़ापा आ जाता है तो वो उसके सारे ये आकर्षण डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, इसलिए उसका जो प्रेमी का जो प्यार है, उसकी प्रेम की लपटें, फ्लेम्स मीन्स लपटें, फायर्स ऑफ लव मस्ट वेस्ट अवे, वो भी दूर हो जाते हैं, उसका प्रेम समाप्त हो जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। मीनिंग इज दैट द लव बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अट्रैक्शंस इज शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए होता, अल्पकालीन होता है, बिकॉज टाइम डिस्ट्रॉयज ऑल दी चार्म्स, देन द लव ऑल्सो डिस्ट्रॉयज बिकॉज इज वॉज बेस्ड ऑन द फिजिकल चार्म्स। नेक्स्ट स्टैंजा, बट ए स्मूथ एंड इट इज फास्ट माइंड, स्मूथ माने होता है एक समान बना रहने वाला, स्टीड फास्ट माइंड दृढ़ विचारों वाला दिमाग, स्मूथ मीन्स लाइक या कॉन्स्टेंट लाइक समान रहने वाला, स्टीड फर्म अनचेंजेबल दृढ़ या अपरिवर्तनीय, जेंटल थॉट्स मीन्स अच्छे विचार, काम डिजायर शांत इच्छाएं, हार्ट्स विद इक्वल लव हृदय समान रूप से, कंबाइंड मिक्स्ड किंडल, किंडल मीन्स प्रोड्यूस या एक्साइट जागृत करना, प्रेम को जागृत करना, नेवर डाइंग कभी न मरना, कभी न मरने वाले, एवर लास्टिंग यानी कि परमानेंट, डिस्पाइज, डिस्पाइज माने घृणा करना, कभी कहता है कि एक बट स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक्स आर लिप्स आर आईज, कभी कहता है कि एक समान रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क, सुंदर विचार सदा तथा शांत इच्छाएं तथा समान प्रेम से जुड़े हृदय चिरस्थाई यानी परमानेंट प्रेमाग्नि को प्रज्वलित रखते हैं। मीनिंग इज दैट द पोइट सेज दैट ए वूमन हु हैज कॉन्स्टेंट एंड फर्म माइंड, पीसफुल डिजायर्स, पजेसेस रखती है ट्रिब्यूटी, उसके पास सच्ची सुंदरता होती है, जेंटल थॉट्स, पीसफुल डिजायर्स विद लव इन द सेम डिग्री आर नेसेसरी फॉर ए परमानेंट लव, ये हमेशा हमेशा बना रहने वाले प्रेम के लिए शांत इच्छाएं और दृढ़ता, मानसिक दृढ़ता, मानसिक सुंदरता अति आवश्यक है। वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये नहीं है, आई डिस्पाइज, कभी कहता है जहां पर ये क्वालिटीज नहीं है, जेंटल थॉट्स नहीं है, गुड आइडियाज नहीं है, ब्यूटी ऑफ करेक्टर नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूं ऐसी सुंदरता को, जो है लवली चीक्स, सुंदर गालों को, स्टार लाइक आईज को या कोरल लिप्स को भी आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ। तो बच्चों, ये थोड़ा समझ में आया होगा आपको, इसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बता दूँ। पहले स्टांजा का लिखना है, रेफरेंस तो आप जानते ही, लव बेस्ड ऑन द फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, टाइम कैन डिस्ट्रॉय इट, फिर एक्सप्लेन करना है। सेकेंड स्टांजा के लिए कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है,
लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिटी इज एवर लास्टिंग, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। आशा करता हूँ कि बच्चों आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।